हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने अपने गार्डन में कुछ रीपॉटिंग का काम किए, और तो मुझे लगा क्यों ना आप सबके साथ इसको मैं शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, ये जो सीज़न होता है मॉनसून सीज़न, ये रीपॉटिंग के लिए बेस्ट सीज़न माना जाता है। रीपॉटिंग, ट्रांसप्लांट अगर आपको करना है ज़मीन में, और अगर आपको प्रोपागेट करना है कटिंग के थ्रू, तो कटिंग भी बहुत अच्छे से चल जाती है। तो फ्रेंड्स, इस सीज़न का हमें फ़ायदा उठाना है, और हमारे पास जितने भी ऐसे पौधे हैं जिनको हम काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि उसको रिपोर्टिंग करना चाहिए, यानी उसको छोटे गमले से हमें बड़े गमले में शिफ्ट करना है, और या फिर गमले से हमें ज़मीन में शिफ्ट करना है जिसे हम ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं, या फिर हमें कटिंग से नया पौधे ग्रोथ करना है। तो ये सारे काम अगर आप इस सीज़न में करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इस सीज़न में जो सक्सेस रेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। रीज़न यही होता है कि फ्रेंड्स, इस समय जो एटमॉस्फेयर का कंडीशन होता है, यानी जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ये सारे परफेक्ट होता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, या हम बोल सकते हैं प्रोपागेशन के लिए। तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है इस समय वेदर में, मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से जो और टेम्परेचर कम रहता है बारिश के सीज़न में, तो इसलिए जो मिट्टी रहता है उसमें नमी बरकरार रहता है, और आपको पता ही है कि बरसात में इवापोरेशन रेट काफ़ी कम होता है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। तो इसलिए जो प्रोपागेशन के लिए जो मिट्टी में जो नमी बरकरार रहना चाहिए वो रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि रिपोर्टिंग के समय या ट्रांसप्लांट के समय जब हम करते हैं तो पौधे बहुत खुशी खुशी नया जगह को अपना लेती है। इसलिए फ्रेंड्स, इस समय रिपोर्टिंग, ट्रांसप्लांटिंग आपको कर लेने चाहिए। तो आज मैं फ्रेंड्स यही काम करने जा रही हूँ। मेरे कुछ प्लांट्स जैसे कि कैलेथिया हो गया, सिंगोनियम, फिलोडेंड्रॉन, जीजी प्लांट, एस्परेगस, मेरे काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इसको मैं बड़ा जगह दूँ, यानी छोटे पॉट से बड़े पॉट में शिफ्ट करूँ। कुछ प्लांट्स मेरे पॉलीबैग्स में थे जिसका मैं कटिंग्स वगैरह लगाई थी, और वो बढ़ता नहीं है क्योंकि एक समय के बाद उसको बड़ा जगह की ज़रूरत होता है, तभी उसमें ग्रोथ नज़र आता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको जो खाने का जो क्वांटिटी रहता है कम रहता है, लेकिन वही जब वसीम बच्चा जब बड़ा होते जाता है टाइम के साथ, तो जो खाने का क्वांटिटी होता है वो हमें बढ़ाना होता है। तो वही है, क्योंकि खाना उसको कहाँ से मिलता है, ऑब्वियसली मिट्टी से मिलता है, तो हमें बड़े जगह उसको देना होता है ताकि वो अपना जो जड़ है वो आसानी से वो फैला पाए, और जितना अच्छे से जड़ फैलता है आपको ऊपर जो ग्रोथ है, फॉलेज ग्रोथ, वो भी नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं कर रही हूँ वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आज मेनली मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स, आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत सारे मेरे प्लांट्स मैंने आज रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ और वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो कैलाथिया का प्लांट है, ये काफ़ी टाइम से इसको मैं चाह रही थी कि थोड़ा बड़ा पॉट दूँ, क्योंकि इसके पहले भी मैं एक कैलाथिया को, जो कैलाथिया जेबरीना मेरे पास है, उसको ऐसे ही चौड़े कंटेनर में लगाई हूँ, और काफ़ी अच्छे से उसमें जो साइड ग्रोथ दिखा है। तो इसीलिए ये वाला कैलाथिया को भी हमने सेम वैसे ही पॉट में लगा रहे हैं। और फ्रेंड्स, लगाने के बाद क्या करना है, आपको अच्छे से पानी दे देना है। ये है कि क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इस सीज़न में नमी बरकरार रहती है, तो आप सौगी बिल्कुल ना करें क्योंकि उसमें फिर रूट रॉटिंग का प्रॉब्लम हो ही जाता है इस समय। तो एकदम एडिक्वेट मात्रा में पानी डालिए और इसको आप अपने एक शेड में रख दीजिए, क्योंकि ऐसे भी जो कैलेथिया के प्लांट्स होते हैं काफ़ी डेलिकेट होता है। ट्रांसफ़र में भी क्या होता है कि जो पौधा है वो काफ़ी टाइम तक आप देखेंगे कि वो मुरझा सा रहता है। तो इसीलिए मॉनसून का सीज़न बेस्ट होता है कैलेथिया को, अगर आप ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं या रिपोर्ट करना चाह रहे हैं।
तो जब एक बार आप रिपॉट कर ले तो आप उसको फ्रेंड्स शेड में रखिए जहाँ डायरेक्ट उसको धूप ना पड़ता हो। ऐसे भी आज मैं ज़्यादातर जो भी प्लांट्स लगा रही हूँ ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं, और इसको ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट धूप में नहीं रखते हैं, शेड में ही रखते हैं। और ख़ासकर जब आप ट्रांसप्लांट करते हो, रिपॉट करते हो, तो उसको ट्रांसप्लांट जब करते हैं तब तो आप ऑब्वियसली कि ज़मीन में ही आप लगाते हैं, तो अपना लोकेशन आप चूज़ करते ही हो। लेकिन जब रिपॉट करते हो, मतलब गमले से गमले में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब आपको और ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको शेड में रखना है, डायरेक्ट पानी उसमें ना गिरे कहीं से, क्योंकि जड़ को भले इसमें जड़ है, कटिंग्स नहीं है ये, लेकिन जड़ को भी नए जगह में सेट करने में समय थोड़ा लगता है। जैसे हम भी एक घर से जब दूसरे घर या लोकेशन में शिफ्ट होते हैं, थोड़ा दिन हमें भी उस जगह को अपनाने में समय लग जाता है। फ्रेंड्स सेम वैसे ही पौधों को भी एक गमले से दूसरे गमले में जब हम डालते हैं तो उसको हफ्ते भर समय चाहिए होता है थोड़ा सा सेट करने के लिए, तो उसको आपको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। फ्रेंड्स रिपोर्ट करते समय ये ध्यान रखना है कि जो भी पॉट से आप निकाल रहे हैं सावधानी से थोड़ा निकाले प्लांट को, ताकि उसका जो जड़ है वो बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो पाए। थोड़ा सा आप इस तरह जो पॉट है उसको थोड़ा सा टैप कीजिए, और थोड़ा सा नमी अगर पहले से हो तो आसान रहता है। लेकिन और साइड से थोड़ा सा आप किसी भी चीज़ से जैसे कि खुरपी वगैरह से थोड़ा सा मिट्टी को लूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, और ताकि आसानी से वो निकल आए। कई बार क्या होता है, जड़े जो होता है वो नीचे का होल को भी टच कर देता है और वो निकलने में बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं फिलोडेंड्रॉन का मेरा प्लांट मैं निकालने गई तो वो मिट्टी से ही बाहर निकल आया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं जड़े बिल्कुल ठीक है, तो बहुत सावधानी से मैं इसको लगा दूंगी। और जो भी चीज़ आपको ध्यान रखना, जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है, जो क्राउन एरिया है, उसको ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स जो मिट्टी का जो प्रिपरेशन है वो तो आपको पता ही है कि ऐसा मिट्टी प्रिपेयर करें कि ताकि पानी रुके नहीं, पानी निकल जाए, ड्रेनेज होल का ध्यान रखे, मिट्टी भुरभुरा हो। तो आप जो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा बालू यानी सैंड, और एक हिस्सा आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, और बाकी आप जैसे कि फंगिसाइड हो गया, नीम खली, आप ये सारे डाल सकते हैं। ये मेरा जो प्लांट है एस्पेरेगस का, आप देख सकते हैं इसके जो कॉम्स है किस तरह, ये एकदम आप देख सकते हैं रूट्स इसके कैसे कितना नीचे तक चला आया है, और शायद इसी वजह से इसका जैसे ग्रोथ होना चाहिए ग्रोथ नहीं देख पा रहा था, और जो कॉम्स है ये ज़मीन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा निकल आया था, तो इसीलिए भी इसको ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी हो गया था। पॉट जो जिसमें लगा हुआ था बहुत छोटा ही था, तो इसको भी आज हम लोग रिपोर्ट कर ही देंगे। आज मैंने बहुत सारे रिपोर्ट का काम की, सिंगोनियम के प्लांट्स, इजी प्लांट्स, कुछ मनी प्लांट्स भी लगाए जो कि छोटे छोटे कटिंग्स जो पॉलीबैग्स में लगा के रखे थे उसको भी बड़े गमला में उसको शिफ्ट करा ताकि वो आगे और घना हो पाए। तो फ्रेंड्स आपका भी ये काम अगर बचा है तो आप भी ये सीज़न का लाभ उठाते हुए, आपके पास ये अगस्त, अगस्त अभी ख़त्म नहीं हुआ, सितंबर भी है, तो सितंबर तक ये सारे काम कर लीजिए, बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दे, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और भी नए नए वीडियोज़ बनाने का। फ्रेंड्स इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए।
फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।